ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर शंभो। जय गिरिजाधीशा शिव। जय गिरिजाधीशा। जय जय करुणा सागर पशुपति जगदीशा। ओम हर 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 महादेव। गिरि कैलास निवास छगण छन सहचारी शिव गण छन सहचारी। मुंडमाला छगला मा रूप छ भयहारी। ओम हर 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 महादेव। तीन नयन मा थरि थरि ज्योति छ दिव्य सदा शिव ज्योति छ दिव्य सदा। वाहन वृषभ मनोहर सगमा छन गिरिजा। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्म भूषण नाग विराजित वाघंबर तनमा। ओम हर 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 महादेव। डमरु त्रिशूल शुभ शोभित प्रभु का द्विकर मा शिव प्रभु का द्विकर मा। भूषण नाग विराजित वाघंबर तनमा। ओम हर 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 महादेव। तीन नयन मा थरी थरी ज्योति छ दिव्य सदा शिव ज्योति छ दिव्य सदा। वाहन वृषभ मनोहर संगमा छन गिरिजा। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रभु का रूप सबई शिव प्रभु का रूप सबई। सृष्टि स्थिति लय सब हुन शिव लीला प्रभु कै। ओम हर 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 महादेव। वेद पुराण चकित छन प्रभु को वर्णन मा शिव प्रभु को वर्णन मा। कण कण व्यापक प्रभु को महिमा त्रिभुवन मा। ओम हर 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 महादेव। सुर नर मुनि सब प्रभु के निसी दिन ध्यान गरी शिव निसी दिन ध्यान गरी। परमानंद मगन भई जान पार तरी। ओम हर 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 महादेव। सचिदानंद परात्पर सज्जन हितकारी शिव सज्जन हितकारी। जय जय सांब सदाशिव। जय जय सांब सदाशिव। जय जय त्रिपुरारी। ओम हर 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 महादेव। श्रीमद्भागवत महापुराण अथ चत्वारिंशो अध्याय। अक्रूरोवाच न तोस्मि हम त्वा अखिल हेतु हेतु। नारायणं पुरुष माध्यम व्ययम् यन्नाभिजाता दरविंद कोशाद् ब्रह्मा विरासीद् यत एष लोकः। ब्रह्मा विरासीद् यत एष लोकः। भूस्तोयम् अग्निः पवनः खसादिर्महानजादिर्मन इन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियाथ विबुधाश्च सर्वे ये हेतवस्ते जगतोऽङ्गभूताः। नैते स्वरूपं विदुरात्मनास्ते ह्यजादयो नात्मतया गृहीतः। अजो नुबद्ध सगुणैरजाया गुणात् परं वेद न ते स्वरूपं। त्वां योगिनो यजन्त्यद्ध महापुरुषमीश्वरं साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदैवं च साधवः। त्रय्या च विदया केचित् त्वां वै पैतानिका द्विजाः यजन्ति विततैर्यज्ञनानारूपामराख्यया। एके त्वाखिल कर्माणि सन्न्यस्योपशमं गदाः ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम्। अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिना वितेन ते यजन्ति त्वन्मया स्वां वै बहुमूर्तेकमूर्तिकम्। त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणं बहुवाचार्य विभेदेन भगवन् समुपासते। सर्व एव यजन्ति त्वां सर्वदेवमहेश्वरं येऽप्यन्य देवता भक्ता यद्यप्यन्य धियः प्रभो। यथा त्रिप्रभवा नद्यः पर्जन्य पूरितः प्रभो। विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तद्वत्यां तद्वत्त्वां गतयोन्ततः। सत्वं रजस्तम इति भवतः प्रकृतिर्गुणः तेषु हि प्राकृतः प्रोता ब्रह्मस्थावरादयः। तुभ्यं नमस्ते स्वविशक्तदृष्टये सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे। गुणप्रवाहो यम विद्यया कृतः प्रवर्तते देवत्रीनृतिर्यगात्मसो। अग्निर्मुखं ते वनिरङ्घ्रिरीक्षणं सूर्यो नभो नाभिरथो दिशाश्रुतिः। द्यौकं सुरेन्द्रास्तव बाहवो नयाः नवाः कुक्षिर्मरुद् प्राणबलं प्रकल्पितं। रोमाणि वृक्षौ सदयः शिरोरुहा मेघा परस्या स्थिरखानि ते द्रयः। निमेषं रात्यानि प्रजापतिर्मेढ्रस्तु वृष्टिस्तव वीर्यमीशते। त्वय्यव्ययात्मन् पुरुषे प्रकल्पिता लोकाः सपाला बहुजीवसङ्कुलः। यथा जले संजिहते जलौकसो प्युदुम्बरे वा मशका मनोमये। यानि यानि हरूपाणि क्रीडनार्थं विवर्षि तैरामृष्टसितो लोका मुदा गायन्ति ते यशः। नमः कारणमत्स्याय प्रलयाभिकराय च हय श्रीष्णे नमस्ते मधुकैतभ मृत्यवे।
अकुपाराय बृहते नमो मंदरधारिणे इच्छित्युद्धार विहाराय नमः सुकर मूर्तये नमस्ते भूतसिंहाय साधुलोकभयापह वामनाय नमस्तुभ्यं क्रांत त्रिभुवनाय च नमो भृगूणां पतये दृप्तक्षेत्रवनच्छिदे नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यदानवमोहिने म्लेच्छप्राय क्षत्रहन्त्रे नमस्ते कल्किरूपिणे भगवन् जीवलोकोऽयं मोहितस्तव माया अहं ममेत्यसद्ग्राहो भृग्रां भ्राम्यते कर्मभ्रमशो अहम चात्मात्मजागार दाराथ सुदना दिशो भ्रमामि स्वप्नकल्पेषु मूढ़ा सत्य धिया विभो अनित्यानात्मदुःखेषु विपर्ययमतिर्ह्यहं द्वन्द्वा रामस्तमो विष्टो न जाने त्वात्मनः प्रियं यथा बुधो जलम हित्वा प्रतिच्छन्नं तद्भवेहि अभेति मे तृष्णां वै त्वद्वत्त्वाहं पराङ्मुखः तद्वत्त्वाहं पराङ्मुखः नोत्सहेऽहं कृपणधिकां कर्म हतं मनः रोद्धुं प्रमाथिभिः सा क्षैर्ह्रियमाणमितास्ततः सोऽहं तवाङ्घ्र्यपगतो सोऽहं तवाङ्घ्र्यपगतो स्मृशतां दुरापं तच्चाप्यहं भवदनुग्रह ईशमन्ये पुंसो भवेद् यदि संसरणापवर्गस्त्वयब्जनाभ सदुपासनया मतिः स्यात् नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्यये तवे पुरुषेश प्रधानाय ब्रह्मणे नन्दसक्तये नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतश्रेयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो श्रीमदादिमहापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमकन्दे पूर्वाद् एकलोकस्तुते नाम चत्वारिंशोऽध्यायः श्रीहरये नमः अथ एकचत्वारिंशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच स्तूपतस्थस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः भूयः समाहरत कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः सोऽपि चान्तरहितं वीक्ष्य जलादुन्मजसत्वरः कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो रथमागमत् तमपृच्छद्ऋषिकेशः किं ते द्विष्मिहद्भुतं भूमौ व्यतितो एवा तथा त्वां त्वलक्ष्यमायामहे अक्रूरो वाच अद्भुतानि यावन्ति भूमौ वीयति वा जले त्वयि विश्वात्मके तानि किं मते किं मे दृष्टं विपश्यतः यत्राद्भूतानि सर्वाणि भूमौ वीयति वा जले तं त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टमिहाद्भुतम् इत्युक्त्वा चोदयामास स्यन्दनं गान्धिनी सुतः मथुरा मन यद् रामं कृष्णं चैव दिनाते मार्गे ग्रामजना राजंस्तत्र तत्रोपशं गतः वसुदेवसुतौ वीक्ष्य प्रीता दृष्टिं न चाददोः तावत् व्रजौ कश तत्र नन्दगोपालयो ग्रतः पूर्वोपवनमासाद्य प्रतीक्षन्तो भतस्थिरे तान् समेत्याह भगवान् अक्रूरं जगदीश्वरः गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रस्थितं प्रसन्निव भवान् प्रविशतामग्रे सहयानः पुरीं गृहं वयं त्यहामुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीम् अकुरो उवाच नाहं भवद्भ्यां रहित प्रवेक्षे मथुरां प्रभो त्यक्तुं न नार्हसि मां नाथ भक्तं ते भक्तवत्सल आगच्छयामगे आन्न सनातन पूर्वधोक्षज सदा सहाग्रज स गोपालहि सुहृद्विष्ठ सुहृतम पुनीहि पादरजसा गृहान्नो गृहमेधिना यच्छौ चेता नुतृप्यन्ति पितरः साग्नयः सुरः अवनिज्याङ्घ्रि युगलमासी श्लोक्यो बलिर्महान् ऐश्वर्यमतुलं लेभे गतिं चैकान्तिनां तु या अपस्तेऽङ्घ्र्यवने जन्यस्त्रीन् लोकान्शुचयो पुनद् शिरसा आपस्त्यङ्घ्र्यवने जन्यस्त्रीं लोकान्शुचयो पुनन् शिरसा धत्ता याः सर्व स्वर्यातः सगरात्मजः देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवणकेतन यदुत्तम यदुत्तमोत्तम श्लोक नारायण नमोऽस्तु ते श्री भगवान् उवाच आयासे भवतो गेह महामार्य समन्वितः यदुचक्रद्रुहं हत्वा वितरिष्ये सुनिप्रियं श्रीशुक उवाच एवमुक्तो भगवता स्वक्रूरो विमना इव पुरीं प्रविष्ट कंसाय कर्मा वेद्य गृहमेव अथ पराह्णे भगवान् कृष्ण सङ्कर्षणान्वितः मथुरां प्राविशत् गोपैति दिक्षुः परिवारितः ददर्श तां स्फाटिक तुङ्गगोपुर द्वारं बृहद् हेम कपाततोरणां ताम्रार कोष्ठां परिखा दुरासरा मुद्यानरस्यो पवनो मुद्यानरम्यो पवनो पशोभितां सौवर्णशृङ्गाटक हर्म्य निष्कुटैः श्रेणीसभाभिर्भवनैरुपस्कृतां वैदुर्यभद्रामलनील विद्रुमैर्मुक्ता हरिदेभिर्बलभिषुवेदिषु जुष्टेषु जालामुखरन्ध्रकुट्टिमे स्वाभीष्टपारा वतबर्हिनादितां संसिक्तरथ्यापणमार्गचत्वरां प्रकीर्णमाल्यङ्कुरजाल कुरलाजतण्डुल
गुलाम आपूर्ण कुंभे दधि चंदनोषित प्रसून दीपावली सपल्लव सबृंदरंबाक्रमुख सकेतु स्वलंकृत द्वार गृह सपटिक संप्रविष्ट वसुदेव नंदनौ वृतौ वयसैर्नरदेव व्रतमना द्रष्टुं समीयुस्त्वरिता पुरस्त्रियो हर्म्याणि चैवारुरुहुर्निपोत्सुकः काचित् विपर्याग धृतवस्त्रभूषण विस्मृत्य चैकं युगले स्वथा परः कृतैकपद्रश्रवणैक नूपुरा नङ्क्त्वा नङ्क्त्वा द्वितीयं त्वपराश्च लोचनम् अस्मन्त्य एकास्तदपाश्य स्वत्सभा अभ्यज्यमाना अकृतोपमजनः स्वपन्त्य स्वपन्त्य उत्थाय निशम्य निःस्वनं प्रपाययन्त्योद्भवम पोह्य मातरः मनांसि तासामरबिन्दलोचनः प्रगल्भलीला हसितावलोकनैः जहार मतद्विरधेन्द्रविक्रमो दृशां ददा श्रीरमणात्मनोत्सवं दृष्ट्वा मुहुस्फुतमनुद्रुतचेतमस्तम् दृष्ट्वा मुहुस्फुत मनोद्रुतचेतसस्तम् तत्प्रेक्षणोत्स्मित सुधोक्षण लब्धमानः आनन्दमूर्तिमुपगुह्य दृशात्मलब्धम् हृष्यत्वचो जहुरनन्तपरि हृष्यत्वचो जहुरनन्त मरिन्दमाधिम् प्रासाद शिखरारूढा पितुर्फुल्लमुखाम्बुजा अभ्यवसन सौमनसै प्रमदा बलकेशवौ दध्यक्षतैः शोधपात्रैः सगन्धैरभिगा पायनैः तावानर्चुः प्रमुदितास्तत्र तत्र द्विजातयः ऊचुः पौरा अहो गोप्यस्तपः किं चरन् महन् महत् या हे तावनुपश्यन्ति नरलोकमहोत्सवौ रजकं कञ्चिदायान्तं रङ्गकारं गदाग्रजः दृष्ट्वा या चतवासांसि धौतान्यत्युत्तमानि च धौतान्यत्युत्तमानि च दैवादैह्या देह्या वयोः समुचिता न्यङ्गभाषांसि चारतो भविष्यति परं श्रेयो दातुस्ते नात्र संशयः स याचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः साक्षिको मृषितः प्राह भृत्यो राज्ञः सुदुर्मलः ईदृशान्नेव भाषांसि नित्यं गिरिवनेचरः परिधत्त किमुद्वृत्ता राजद्रव्याण्यभिषद या तासु बालिशामेवं प्रार्थं यदि जिजीविषा बन्धन्ति घन्ति लुम्पन्ति द्वित्वं राजकुलानि वै एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयन तयत् तस्यानुजीविनः सर्वे वासः कोशान् विसृज्य वै दुद्रुवुः सर्वतो मार्गं वासांसि जगृहेच्युतः वसित्वात्मप्रिये वस्त्रे कृष्णसङ्कर्षणस्तथा शेषाण्या तत् गोप्येभ्यो विसृज्य भुविका निचित् ततस्तु बायकः प्रीतस्तयोर्वेशमकल्पयत् विचित्रवर्णैश्चैले राकल्पैरनुरूपतः नानालक्षणदेशाभ्यां कृष्णरामौ विरोध्य विरेजतो स्वलङ्कृतौ बालगजौ पर्य पर्वणीव मिथिते तरौ तस्य प्रसन्नो भगवान् प्रादात् सारूप्यमात्मनः श्रियं च परमां लोके बलैश्वर्य स्मृतीन्द्रियौ तथा सुनाम्नो भवनं मालाकारस्य जगमधुः तौ दृष्ट्वा समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि तयोरासनमानीय पाद्यं चार्घ्यार्हणादिभिः पूजां सानुगयोश्चक्रे स्वक्री स्रक्ताम्बूलानुलेपनैः प्राण सात्विकं जन्म पावितं च कुलं प्रभो पितृदेवसयो मह्यं तुष्टा ह्यागमनेन वां भवन्तौ किल विश्वस्य जगतः कारणं परम् अवतीर्णाभिहांसेन क्षेमाय च भवाय च नहि वां विषमा दृष्टिः सुहृदो जगदात्मनोः समयोः सर्वभूतेषु भजन्तं भजतोरपि तावाज्ञापयतं भृत्यं किमहं करवाणि कां वां तावाज्ञापयतं भृत्यं किमहं करवाणि वां पुंसोत्यनुग्रहो हे स भवद्भिर्यन्नित्युज्यते इत्यभिप्रेत्य राजेन्द्र सुदामा प्रीतमानसः स्वस्तैः सुगन्धैः कुसुमैर्माला विरचिता ददौ ताभिः स्वलङ्कृतौ प्रीतौ कृष्णरामौ सहानुगौ प्रणताय प्रपन्नाय ददतु वरदौ वरान् स्वपि बभ्रे चलां भक्तिं तस्मिन्नेवाखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्दं भूतेषु च दयां परां इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियं चान्वयवर्धिनीं बलमायुर्यशः कान्तिं निर्जगाम सहाग्रजः इति श्रीमदात्मा प्राणिपादसंहितां तस्मिन्ति पूर्वादे पूर्वप्रवेशो नाम एकचत्वारिंशोऽध्यायः श्रीहरये नमः भक्तिसुतौतौ चरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजित श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्भजन्ते गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द दामोदर माधवेति
Iti cha parama guhyam sarva siddhanta siddham sapati nigaditam te shastra punyam vilokya jagati sukha kathato nirmalam nasti kinchit yo para sukha hetu advasya skandha saram 40 adhyaya chatvarimshe katha sar prastuti gandesha 40 adhyaya chatvarimshe kruraha krishnam gyatva sarveswaram prabhum pranamya bhavata pranamya bhaktya nautisma sagunai nirgunai stavahi 40 adhyaya ma krishna lai sarveswar prabhu janera agrurle भक्तिले नमस्कार गरेर सगुण निर्गुण भक्तिद्वारा स्तुति गर्नुभयो अक्रूरले भन्नुभयो हे प्रभु आदि पुरुष नारायण हजुरलाई नमस्कार गर्दछु जुन हजुरको नाभि कमलबाट ब्रह्मा उत्पन्न हुनुभयो जुन ब्रह्माबाट यो लोक उत्पन्न भयो अवयवहरूबाट पृथ्वी आदि तत्त्वहरू उत्पन्न भए कर्म गर्नेहरू यज्ञद्वारा ज्ञानीहरू ज्ञानद्वारा वैष्णवहरू विष्णु रूपले शैवहरू शिव रूपले अरू पनि आफ्नो इष्टदेवको रूपले हजुरलाई नै पूजा गर्दछन् सत्व आदि गुणहरूद्वारा ब्रह्मादेखि लिएर स्थावरसम्म व्याप्त गर्ने हजुरलाई नमस्कार छ मत्स्य आदि अवतारहरूद्वारा लोक रक्षा गर्ने हजुरलाई नमस्कार छ जो संसारहरूको मायाले मोहित छ स्वप्न तुल्य देहादिहरूमा सत्य बुद्धि राखी भ्रमण गर्दछ इन्द्रियहरूद्वारा विषयहरूमा आकर्षित हुने मनलाई रोक्न असमर्थ शरणागत मलाई हजुरले रक्षा गर्नुहोस् यसरी स्तुति अक्रूरले श्रीकृष्णको गर्नुभयो नवदा भक्तिमध्ये वन्दनासँग सम्बन्धित पात्र अक्रूर नै हुनुहुन्छ हरि हरि 41 अध्याय एक चत्वारिंश केहन रजकं प्रविशन् पुरीं वरानदात् सुसन्तुष्टः सुदाम्रो बायकस्य च 41 अध्यायमा कृष्णले मथुरा प्रवेश गरेर धोबीलाई मार्नुभयो र अत्यन्त सन्तुष्ट भई सुदामा माली तथा बायक दाजीलाई वरदान दिनुभयो भन्ने प्रसङ्ग रहेको छ सुखदेवले भन्नुभयो श्री सुखदेवले भन्नुभयो हे परीक्षित अक्रूरले स्तुति गरिरहेका अवस्थामा कृष्णले आफ्नो अद्भुत स्वरूप देखाएर त्यस स्वरूपलाई लिन गरेपछि आफ्नो कृतकर्म समाप्त गरी अक्रूर आउनुभयो कृष्णले अक्रूरलाई भन्नुभयो हे अक्रूर तपाईँले के आश्चर्य कुरा देख्नुभयो अक्रूरले भन्नुभयो हे प्रभु सम्पूर्ण आश्चर्य कुराहरू हजुरमा नै रहेका छन् हजुरलाई देख्ने प्राणीले के कुरा देख्दैन र सम्पूर्ण देख्दछ रथमा बसेर मथुरा पुगेपछि कृष्णले आफ्नो घर पवित्र गर्नु प्रार्थना गर्ने अक्रूरलाई भन्नुभयो कंसलाई मारेपछि मात्र तपाईँको घर आउनेछु यस्तो वचन भनेर अक्रूरलाई अगाडि पठाएपछि सायङ्कालको समयमा मथुरा प्रवेश गर्नुभयो आफ्नो कार्यालय त्याग गरेर हडबडका साथ भगवान् कृष्णलाई हेर्न चाहने मथुरावासी नारीहरूले फुलको वर्षा गरे मथुरा प्रवेश गर्दै कृष्णले कंसको रङ्गकार धोबीसँग पहिरने कपडा माग्नुभयो धोबीले दिएन र कृष्ण भगवान्लाई गाली गर्यो कृष्णले धोबीको शिर हरण गरी मार्नुभयो वस्त्रहरू लिएर साथीहरूसँग जानुभयो इच्छा माफिक वस्त्र लगाउनुभयो अलि पर पुगेपछि बायक दर्जीले कपडा मिलाएर राम्रोसँग लगाइदियो कृष्ण भगवान् प्रसन्न भई दर्जीलाई सारूप्य मोक्ष दिनुभयो बलरामका साथ कृष्ण सुदामा मालीको घर जानुभयो त्यसले प्रार्थना गरेर सुगन्धी पुष्पमाला आदिले बलराम र कृष्णको सम्मान गर्यो कृष्णले त्यसलाई परमेश्वरमा दृढ भक्ति होस् भने वर दिनुभयो श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहे पिब स्वामृत मेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति हरे हरे 40 अध्याय अक्रूर स्तुति गर्छन् सबका कारण आत्मा तिम्रो के जानुन् गम अरू प्रभो विविध मार्गले गर्छन् तिम्रै पूजा मानिसहरू प्रभो व्यक्त जगत हो तिम्रै रूप प्रभुमै छन् सब जीवहरू लिन्छौ नाना रूप सबैमा जगको रक्षा गर्न प्रभु तृष्णाद्वारा नष्ट भएको मन यो शक्ति न रोक्न प्रभो लौन दया गर लौन मुरारे शरण परे मत पाही प्रभो लौन दया गर लौन मुरारे शरण परे मत पाही प्रभो 41 अध्याय पाल्नुभयो रथ चढी मुकुन्द मथुरा बाहिर बास पर्यो अर्को दिन जति अति उज्ज्वलपुरको शोभा हेर्दै घुम्नुभयो चढी अटाली बिचपुर नारी गर्छन् हरर फुल झरी गर्छन् स्वागत शुद्ध द्विजाति माला चन्दन आदि छरी प्रभुले माग्दा पनि धोबीले वस्त्र दिए नर मर्यो त्यहीँ सूचिकारले छाँटे वस्त्र पहिरनु भो अति रम्य सूचिकारले छाँटे वस्त्र पहिरनु भो अति रम्य बनी आशिष दि तिनलाई कृष्ण मालिका घर पाल्नुभयो पाए आए पाए माला पहिराई बर भक्ति र मैत्री दया हो
भजगोविन्दं भजगोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ज्ञेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्वं ज्ञेयं सज्जनसङ्गे चित्तं ध्येयं गुणगणाय च वित्तं भजगोविन्दं भजगोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते हरेर्नाम हरेर्नाम नामैव मम जीवनं कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा हरेर्नाम नामैव मम जीवनं कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे छोटे
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल बीच मा मेरो मदन गोपाल हरे बीच मा आयो मेरे मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल माखन खायो मेरो मदन गोपाल हरे माखन खायो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ बंसी बजायो मेरो मदन गोपाल हरे बंसी बजायो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी सखिया मधुबन बाल 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 रासर चायो मेरो मदन गोपाल हरे रासर चायो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल सत्य सनातन वैदिक धर्म को जय भक्त वत्सल भगवान को जय जय श्री राधे श्रीदेवी भूदेवी सहित श्वेत बराह देवता को जय रमा देवी माता को जय मालिका कालिका मालिका महाकाली महालक्ष्मी मां सरस्वती जी को जय सरस्वती माता को जय 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 श्री राधे श्याम हर 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 महादेव।